छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने कहा है कि रेत शराब से लेकर हर क्षेत्र में जिस तरह से माफिया सक्रिय हो गए हैं, ऐसा लगता है उन्हें सरकार का संरक्षण मिला हुआ है। धरमलाल कौशिक ने कहा है कि एनजीटी की रोक के बावजूद राज्य में बड़े पैमाने पर रेत का अवैध खनन जारी है। ये सब सरकार की आंखों के नीचे हो रहा है, लेकिन जब संरक्षण प्राप्त माफिया है तो उन्हें फिर डर किसका होगा। एनजीटी के तहत और राज्य सरकार ने भी आदेश जारी किया कि अब रेत का खनन नहीं होगा, लेकिन उसके बाद में पूरे प्रदेश में रेत का अवैध उत्खनन चल रहा है। पूरे प्रदेश में जिस प्रकार से रेत माफियाओं के द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है, निश्चित रूप से प्रदेश में उससे एक बड़ा आक्रोश भी पनप रहा है।